टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में गैरेज वालों पर मनपा ने आज कार्रवाई की है और जो लोग इन गैरेज पर अपनी बाइक बनवाने के लिए आए थे मनपा ने उनकी बाइक उठा ली। ये कार्रवाई मनपा अतिक्रमण विभाग के संदीप बने ने किया था। कस्टमर की बाइक ले जाने पर मुंब्रा अतिक्रमण विभाग पर जिनकी बाइक लेकर ये अधिकारी गए थे वो सभी लोग अतिक्रमण विभाग पर पहुंचे और वहां हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद नगर सेविका फरजाना शेख के पति शाकिर शेख भी वहां पहुंचे। शाकिर शेख ने बताया कि अधिकारी संदीप बाने ने गैरेज पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई की। वो कार्रवाई गैरेज पर करने के बजाय जो लोग वहां अपनी गाड़ियां ठीक करवा रहे थे, बनवा रहे थे, उनकी गाड़ियां उठा ली गई और उनसे गाड़ी छोड़ने के एवज में 2,000 रुपये दंड मांगा जा रहा है। वहीं शाकिर शेख का कहना है कि अगर मनपा को कार्रवाई करना है तो जो रोड के किनारे गैरेज हैं रोड पर ही ये अक्सर गाड़ियां बनाते हैं, इन गैरेजों पर कार्रवाई करने के लिए मनपा को पहले इन्हें नोटिस देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। नियम के अनुसार अगर गैरेज सील की जाती है तो उसमें 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया जो भी वाहन वहाँ है गैरेज के अंदर हो तो उसका 2,000-4,000 रुपया इस प्रकार से दंड होता है जो चुकाना पड़ता है। मगर गैरेज दुकान पर जो बाइक ठीक कराने के लिए कस्टमर आए थे उनकी बाइक पर कार्रवाई करना ये कहाँ तक सही था। बहरहाल शाकिर शेख ने विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद अतिक्रमण के अधिकारी संदीप बने ने कस्टमर की जो बाइक अतिक्रमण विभाग पर लेकर गए थे उन्हीं सभी बाइकों का नंबर नोट किया गया, उसके बाद जिनकी जिसकी बाइक थी उसे दे दिया गया। मगर मनपा के इस तरह की कार्रवाई से लोग सवाल उठा रहे हैं। शाकिर शेख ने आज हुई मनपा की इस कार्रवाई पर क्या जानकारी दी और मनपा के अधिकारी से उन्होंने क्या बात की जिसके बाद गाड़ियों को छोड़ा गया, शाकिर शेख ने क्या कुछ बताया है सुनिए। शाकिर भाई, मुंब्रा अतिक्रमण विभाग ने आज गैरेजों पर कार्रवाई की, लेकिन जो कार्रवाई की गई वहाँ पर जो अपनी गाड़ियाँ बनाने के लिए लोग आए थे उनकी गाड़ियाँ लेकर ये लोग चले आए, ना कि जो है जो गैरेज वाले हैं उन पर कार्रवाई की गई। तो कई लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर ये लोग आए थे जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी मचा था। आप लोग अंदर गए थे, बातचीत किए, क्या बात हुई, उसके बाद जो है गाड़ियाँ उन लोगों को वापस दिया गया और इनकी कार्रवाई किस तरह से थी, क्या ये कार्रवाई थी वो जायज़ थी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए भूषण भाई, कार्रवाई जो आज अतिक्रमण विभाग से जो गैरेज वाले पर हुई है वो कार्रवाई का रीज़न सबसे ज़्यादा ये था कि हमारी जो महासभा होती है महासभा के अंदर एक ठहराव हुआ था कि जो गैरेज वाले हैं वो फुटपाथ को पूरी तरीके से घेर लेते हैं फुटपाथ के ऊपर, ना कि उनकी गैरेज जो होती है गैरेज के आगे फुटपाथ होता है फुटपाथ के ऊपर और प्लस फुटपाथ के आगे का जो रोड होता है उस हिस्से के अंदर ये लोग जो है गैरेज वाले जो है अपनी गाड़ियों को रिपेयर करते हैं और काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है आने जाने वाली जो आम जनता होती है उसको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए महासभा के अंदर एक ठहराव पास हुआ था कि गैरेज वाले के ऊपर जो है गैरेज वालों के ऊपर जो व्यवसायिक धारक है गैरेज वाले हैं इनके ऊपर जो है इनसे इनको नोटिस दिया जाए, नोटिस देकर इनके ऊपर जो है इनसे जो है फाइन मार्केट पर दंड वसूल किया जाए। लेकिन उसमें कुछ ठहराव के अंदर कुछ चेंजेस था तो उसको लेकर अभी आज जैसे मुंब्रा प्रभाग समिति के साहित्य के अंडर में आज गैरेज वालों पर कार्रवाई हुई। कुछ गैरेज वालों से सामने जो बाइक रखी हुई थी तो बाइक वालों को इधर लेके आया गया था और बाइक वालों से जो है ना के बाइक वालों के ऊपर गैरेज वालों के अलावा बाइक वालों पे से जो है दंड वसूल किया जा रहा था, फाइन मार के उनसे वसूल किया जा रहा था। कुछ उनका बोलना ऐसा था कि मतलब 2,000 रुपये जो है टू व्हीलर के ऊपर, 3,000 रुपये जो है 3 व्हीलर, 4,000 रुपये जो है 4 व्हीलर और 10,000 रुपये है 6 व्हीलर के ऊपर। इस तरीके से उनके ऊपर फाइन करने का हमारे महासभा का ठहराव हुआ था। तो यही चीज़ के ऊपर हमने फिर यहाँ पर अभी कुछ हमें भी पता चला कि कुछ जो रेगुलर जो बाइक गैरेज के ऊपर जो कस्टमर थे उनकी गाड़ियों को लेकर यहाँ पर ये किया कार्रवाई करके उनको यहाँ पर लिया गया और उनसे फ़ाइन वसूला जा रहा है। तो उसी बात करने हम यहाँ पर आए थे, इनको पता कि हमने ठहराव वगैरह देखा, हमने देखा तो फिर हमने बात सामने इन्होंने नोटिस वगैरह नहीं दिया था और गाड़ियाँ जो है वो फुटपाथ से उठा के लेकर आए थे, जो फुटपाथ पे काम कर रहे थे वो गाड़ियाँ थी, वो चीज़ हुई थी हुसैन भाई कि डायरेक्ट ना के इनको नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद अगर ये नहीं अगर नोटिस देने के बाद भी अगर गैरेज वाले अगर इनकी बात को नहीं मानते इग्नोर करते हैं
तो फिर इनकी जो गैरेज वाले की जो दुकान है ना, वो सील कर सकते हैं और जब्ती कर सकते हैं। और उसके जब्ती के अंदर समझ के चलो, अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी गाड़ी जब्ती के अंदर दुकान सील करने में आती है, तो उन गाड़ियों के ऊपर जो है इस तरीके पर गाड़ी का 2,000 रुपया, थ्री व्हीलर का 4,000 रुपया और सिक्स व्हीलर का जो फोर व्हीलर का जो है 4,000 रुपये इस तरह के फाइन का। गाड़ियाँ सील करने में दुकान के अंदर अंदर जो ना के फुटपाथ के ऊपर था, तो इसी बात को लेकर जब यहाँ पर हंगामा हुआ तो हमने हमारे अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान से बात की कि भाई ऐसा ऐसा मतलब यहाँ पर जो है इस तरीके से मतलब ये वसूला जा रहा है, तो हमारी मांग ये है कि गैरेज वाले के ऊपर कार्रवाई करो, ना कि कस्टमर जो गाड़ी रिपेयर करने बनाने आते हैं उनसे दंड वसूला जाए। जो गाड़ी यहाँ पर जिसकी बाइक लेकर आए थे इन्होंने उनकी गाड़ी छोड़ा यहाँ से? नहीं, उन्होंने अभी उनकी गाड़ी को छोड़ दिया है, वही मैं आपसे बता रहा था कि इसी सिलसिले में हमने जो है हमारे अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान से बात की कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे अपोजिशन अशरफ शानू पठान ने एडिशनल कमिश्नर संदीप मालवी उनसे बात की, उनसे रब्ता कायम किया और उनसे बातचीत करके जो है जिन कस्टमरों की बाइक यहाँ पर लेके आई थी उन कस्टमर की बाइक को जो है छोड़ने का आदेश दिया, और जो गैरेज वाले हैं गैरेज वाले को नोटिस देकर फिर उनके ऊपर कार्रवाई करने का एडिशनल कमिश्नर ने आदेश दिया। कौसा में रोड पे जो फरार गाड़ी है वो कब उठाएगी? वो भी महापालिका अपना काम करेगी, और जो भी जितने भी गाड़ियां जो भंगार गाड़ियां रोड के ऊपर साइड में कहीं पर भी पार्किंग है, रोड ही भी नहीं अंदर गलियों में भी अगर कोई से भंगार गाड़ी पड़ी भी है तो उनको भी महापालिका जो है उठाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी।